कोरोना महामारी के बीच देश से तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ तस्वीरों को देखकर गर्व महसूस होता है तो कुछ तस्वीरों को देखकर सरसर्म से झुक जाता है। ऐसी एक तस्वीर अलीगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। मामला अलीगढ़ जिले के जंक्शन स्टेशन का है, जहां महिला समेत चार लोग देहरादून से फतेहपुर जा रहे थे। रास्ते में अचानक परिवार के एक व्यक्ति की लिंक एक्सप्रेस में मौत हो गई। आनंद फानन में लिंक एक्सप्रेस से शव को अलीगढ़ में उतारा गया। अपने पिता का शव घर ले जाने के लिए बेटा घंटों इंतजार करता रहा, लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मी सहित अन्य आला अधिकारियों ने कोरोना नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। देर रात 10 बजे पूरा परिवार चीख चीख कर अपने परिजन को एम्बुलेंस मुहैया कराने की भीख मांगता रहा। मृत व्यक्ति के बेटे सुभाष ने बताया कि वह उसके परिजन देर रात खाना खाकर ट्रेन में सो रहे थे। रात में जाकर देखा तो पापा बोल नहीं रहे थे। किसी के द्वारा गोली दी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद शरीर में कोई हरकत न देखते हुए शव को अलीगढ़ में उतार दिया गया। सुभाष अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाता रहा और एम्बुलेंस की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उल्टा शव के पास बैठने के लिए उसे फटकार भी लगाई गई। सुभाष ने कहा कि मैं अपने पिता को ट्रेन से घर ही ले जाता, उन्हें उतारा ही क्यों था, कम से कम घर तो पहुंच जाता। यहां अधिकारियों से मिन्नतों के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। घंटों बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई जिससे अपने पिता को घर ले जा सके। जी सर, देहरादून से आया था मैं। क्या हुआ रास्ते में? दंडौसी में हमने खाना पीना खाया, पिताजी को भी अपने खाना खिलाया, खाना खाए, इनका थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती थी भाजी, खाना पीना खाए के ये बिस्तर में बैठ गए, अपने सीट पे बैठे थे, थोड़ी देर बैठे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे, हम भी अपने अपने सीट पे बैठ गए थे। फिर इसके बाद देखा तो आराम से लेट गए, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उठा, मैंने कहा देखता हूँ जगाता हूँ इन्हें, देखा तो उठे ही नहीं सर। तुमने फिर रास्ते में किसी को फोन किया क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं किया था सर। दवाई किसने दी? मेरे दवाई तो किसी ने नहीं दी। हाँ, वो दो गोली दे के गए थे। कौन आए थे पता नहीं? हाँ वही थे, वो भी थे। ये दवाई ये है मेरे पास। अच्छा, ये दो गोली दे के गए मुझे, कह रहे थे खिला दे। क्यों, कौन देख गया था? वो वहाँ पे अभी थे। कौन थे? गार्ड थे? गार्ड नहीं थे, पता नहीं, कपड़े ऐसे सिंपल से पहन रखे थे उन्होंने। हाँ। बस ये दो दवा दिए थे मुझे। यहाँ कितने बजे आ गए आप? यहाँ तो हम 10:30 बजे आ गए थे ना। 10:30 बजे से अभी तक कोई डड़बड़ी ले जाने नहीं? नहीं, वहाँ गया सर मैं 2-3 बार, तो मुझे कह रहे वहीं जा चुपचाप बैठ जा अभी। अच्छा जी सर। किसके पास गए थे आप? जी सर वहाँ पे जो है ना आप बड़े अधिकारी, वहाँ पे बैठे हैं वो, उनके पास गए थे, तो वहीं कह रहे वहीं जब बॉडी के पास बैठ अभी मत आइए यहाँ। अच्छा, मैंने कहा सर मुझे एम्बुलेंस करके दे देते आप, मैं लेके चला जाता। अब तो बार तो मुझे उसी में से नहीं उतारते, मैं फतेहपुर तक ले जाता, आप किसी तरह गाड़ी वाड़ी करके अपना ले जा लेते बहुत जी मैं अपने घर। अब तो 12 बज रहे, 12 बजे से अभी तक कोई तुम्हारे पास नहीं आया? कोई नहीं आया सर, पेट पौधे उतरवा दिए यहाँ पे बस, उसके बाद उतरवाने के बाद कोई नहीं आया, दिखाई दे सर। एम्बुलेंस भी नहीं आई सर, इधर उधर चले गए सर, एम्बुलेंस भी नहीं भेज रहे, पूरे मामले पर जीआरपी प्रभारी यशपाल सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शिवलाल नामक एक यात्री जो देहरादून से फतेहपुर के लिए यात्रा कर रहे थे, कंट्रोल रूम पर बुलंदशहर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति की ट्रेन में हालत खराब हो गई है। डॉक्टरों के द्वारा उनको चेक किया गया तो पता चला कि उनको सांस लेने में दिक्कत है, उनको मेडिसिन वगैरह दी गई लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। अलीगढ़ जंक्शन पर उनके शव को उतारकर डॉक्टरों की टीम के द्वारा चेकअप किया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शव का पंचनामा भरते हुए कोविड नियमों के साथ एम्बुलेंस को बुलाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। यात्री थे शिवलाल नाम के, ये देहरादून से फतेहपुर की यात्रा कर रहे थे, यहाँ बुलंद शहर के ट्रेन निकलने के बाद में कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यात्री की वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उस सूचना को हमने डॉक्टर की टीम आपकी अब जीआरपी द्वारा ट्रेन पर आया गया, डॉक्टर के द्वारा ट्रेन में उस व्यक्ति को दवा दी गई लेकिन उस व्यक्ति को आराम नहीं मिला और उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसका
पंचायत में कार्रवाई की गई, डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको चेकअप कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव की जानकारी हुई। इसके बाद उस गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टरों की टीम के द्वारा सबको पैक किया गया करके उसके अंतिम संस्कार के लिए कर्वारीजन को एम्बुलेंस बुलाकर उनके द्वारा सपोर्ट किया गया। एम्बुलेंस में सर जानकारी मिली काफ़ी समय बाद आई एम्बुलेंस? नहीं, डॉक्टरों को उसको पैक करने में समय लगा, उसके बाद आ गई थी। सर उसको सकुशल उसके घर भेज दिया गया एम्बुलेंस। जी, सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।